हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे फाफड़ा बनाएंगे, वो भी हम बिना सोडा यूज़ करा बिना हम बनाएंगे फाफड़ा। ये फाफड़ा में हम इनो सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे, बिना सोडा वाला हम बनाएंगे फाफड़ा। तो फाफड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है, तो ये ग्लास में हम डालेंगे आधा कप हम डालेंगे तेल डालेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी उसमें 1/4 कप में उसमें पानी डालने वाली हूँ। 1/4 कप मतलब 4 टेबल स्पून जितना मैं उसमें पानी यूज़ कर रही हूँ। तो ये 1/4 कप पानी एंड आधा कप तेल को हम अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं ये हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप ये ब्लेंडर से भी ये बेटर को फेंट सकते हैं। तो ये बेटर को हम जब तक वाइट ना हो जाए तब तक हम हाई स्पीड पर हमें फेंट रही हूँ। तो ये हाई स्पीड पर हम फेंटेंगे तो फटाफट ये तेल एंड पानी वाला जो बेटर है एकदम वाइट हो जाएगा। तो बस इस तरह से ये बेटर को फेंट लेना है। और ये जो तेल एंड पानी वाला जो बेटर है वो सोडा की तरह काम करता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा फाफड़ा बनता है। तो आप देख सकते हैं बेटर है, वाइट जैसा हो ही गया है। तो बस इस तरह से बेटर रखना है। तो मैं फिर से थोड़ा सा फेंट लेती हूँ, तो एकदम रेडी हमारा गाढ़ा बेटर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से ग्लास में पानी एंड तेल डाल के आप बेटर को फेंट सकते हैं, और मिक्सर में भी आप बेटर को फेंट सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ये तेल एंड पानी वाला बेटर रेडी हो गया है। तो चलिए हम फाफड़ा का डो बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, तो हम उसमें डालेंगे बेसन डालेंगे। तो पहले मैं 2 कप बेसन फ्लोर उसमें डाल देती हूँ, उसके बाद में 1 कप बाद में डालूंगे। तो 2 कप बेसन मैंने डाल दिया है। अब हम आधी स्पून जितना डालेंगे नमक डालेंगे, उसके बाद आधी स्पून जितना हम डालेंगे हींग डालेंगे। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ आधी स्पून जितना ये है ब्लैक पेपर पाउडर है काली मरी। तो ये फाफड़ा में ब्लैक पेपर पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम अच्छे से बेसन को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें ये तेल एंड पानी वाला जो बेटर है वो हम डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा बेटर डालते जाएंगे, हम उसका डो हम तैयार करते जाएंगे। तो ये फाफड़ा में मैंने टोटल 3 कप मैंने बेसन यूज़ किया है, 1 कप बेसन में बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो 2 कप बेसन में ये बेटर डाल के अच्छे से डो को तैयार कर लेना है। ये डो में से तेल बाहर न आ जाए तब तक हम ये डो को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम फिर से ऐड करेंगे। 1 कप हम बेसन ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने पूरा का पूरा मैंने तेल एंड पानी वाला बेटर जो था वो मैंने पूरा का पूरा डाल दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये डो को एकदम सॉफ्ट बना लेना है। जितना ज़्यादा हम मसलेंगे उतना ही हमारा फाफड़ा अच्छा बनेगा। डो में से तेल बाहर न आ जाए तब तक हम ये डो को मसलेंगे। डो को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैंने फिर से मैंने 1/4 कप पानी यूज़ किया है, तो मैं उसमें 1.5 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ। उसके बाद ये जो बचा हुआ पानी है वो मैं बाद में डालूँगी। तो देख सकते हैं डो में से तेल है वो दिखने लगा है। तो अब हम 1 कप डाल ही देते हैं बेसन का आटा हम डालेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे ये जो हमने पहले 1/4 कप पानी लिया था उसमें पहले मैंने 1.5 टेबल स्पून डाल दिया था, और ये जो एक्स्ट्रा है वो हम डाल देते हैं। तो ये फाफड़ा में मैंने टोटल 3 कप बेसन यूज़ किया है, आधा कप तेल डाला है और आधा कप पानी डाला है। तो इस तरह से मेजरमेंट लेके फाफड़ा का डो बना लीजिए। तो ये फाफड़ा है रियली बहुत ही अच्छा बनता है, आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये डो को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम स्मूद हम डो बना लेते हैं। तो ये डो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि उसमें सॉल्ट की मात्रा कैसी है, तो थोड़ा सा डो लेके आप टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि उसमें नमक डालने की ज़रूरत है या नहीं।
तो उसमें बिल्कुल नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। 3 कप बेसन में आधा टेबलस्पून नमक परफेक्ट है, बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, हमारा ये फाफड़ा का डोह रेडी है। तो हम एक कटिंग बोर्ड पर अच्छे से 2 मिनट तक हम ये डोह को मसलेंगे। जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ही हमारा फाफड़ा एकदम मुंह में जाके दुलने वाला फाफड़ा बनेगा। तो ये हमारा डो एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम हो गया है। तो हम थोड़ा सा छोटा बोल लेके इस तरह से लंबे स्लाइस में हम बोल बनाएंगे। उसके बाद हम ये कटिंग बोर्ड पर हम फाफड़ा को घिसेंगे। तो चलिए हम फाफड़ा घिस लेते हैं। तो फाफड़ा को कैसे घिसना है, बोल रख के हम ये लंबे हाथ से घिसना है और हथेली वाला जो ये पार्ट है उसकी सहाय से ये फाफड़ा को घिसना है। अब जितना ज़्यादा घिसेंगे उतना ही आपका फाफड़ा एकदम पतला एंड अच्छा बनेगा। तो देखिए, इस तरह से फाफड़ा को हथेली से घिस लेना है और जो हथेली में चिपका हुआ आटा है वो निकाल देना है। और उसके बाद हम ये नाइफ से हम ये फाफड़ा को अच्छी तरह से निकाल देना है। एक दो फाफड़ा अच्छा नहीं बनेगा, घिसने लगेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से घिसने के बाद थोड़ा सा कटिंग बोर्ड को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद दूसरा फाफड़ा को आप घिस सकते हैं। तो फाफड़ा को घिसना नहीं है तो दूसरा भी एक तरीका है, आप ये फाफड़ा को एक प्लास्टिक की जिप्लॉक बैग के ऊपर भी ये फाफड़ा को बेल सकते हैं और बटर पेपर ऊपर भी आप ये फाफड़ा को बेल सकते हैं। तो वो तरीका भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो जो इस तरह से नहीं घिसना है तो आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये बटर पेपर यूज़ किया है, उसके ऊपर हम ये बोल इस तरह से रख के हम ये बेलन से ये फाफड़ा को बेल भी सकते हैं। जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे उतना ही आपका फाफड़ा अच्छा बनेगा। तो देखिए, इस तरह से ये बटर पेपर या प्लास्टिक की बैग पर इस तरह से आप फाफड़ा को बेल सकते हैं। आधा फाफड़ा को मैंने बेला है और आधा फाफड़ा को मैंने घिसा है, कटिंग बोर्ड पर मैंने घिसा है। तो हमारा फाफड़ा रेडी है। देखिए, हमने ये फाफड़ा को बेल लिया है, सारा का सारा फाफड़ा को हमने बेल लिया है। तो दूसरी साइड तेल को भी मैंने गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए हम फाफड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम फाफड़ा का टुकड़ा डाल के पहले चेक कर लेते हैं, तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाफड़ा डाल के ये फाफड़ा लाल जैसा हो जाएगा। तो हमारा तेल है वो गर्म हो ही गया है। तो ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, लो फ्लेम पर ये फाफड़ा को फ्राई कर लीजिए। तो तेल है मीडियम पर है, तो मीडियम गैस पर मैं ये फाफड़ा को फ्राई कर रही हूँ। फाफड़ा डालने के बाद गैस की फ्लेम एकदम लो कर देना है, नहीं तो ये फाफड़ा है वो जल जाएंगे। तो ये फाफड़ा को क्रीमी टाइप का रखना है, ये गोल्डन ब्राउन फाफड़ा को नहीं रखना है। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक ये फाफड़ा को नहीं फ्राई करना है। तो ये फाफड़ा डालने के बाद हम फाफड़ा को पलट देते हैं। देखिए, ये फाफड़ा गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है, तो तेल हमारा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो इस तरह से तेल को गर्म नहीं करना है, ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। दूसरा फाफड़ा को हम एकदम क्रीमी टाइप का फ्राई करेंगे। ये पहला वाला जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो ये फाफड़ा है एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची बनेगा। हाई फ्लेम पर ये फाफड़ा को फ्राई करेंगे तो फाफड़ा है वो कच्चा ही रहेगा और फ्राई करने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये क्रिस्पी एंड क्रंची जो बनाना है, तो ये फाफड़ा को एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। थोड़ा ज़्यादा तेल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम लो भी कर सकते हैं। तो देखिए, गर्म है तो भी एकदम अच्छे से टूट रहा है फाफड़ा। तो इस तरह से हम दूसरा फाफड़ा को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये तेल हमारा एकदम परफेक्ट है, तो ये दूसरा
फाफड़ा को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहला वाला जो फाफड़ा है थोड़ा सा ऐसा वैसा हो जाता है, लेकिन हम दूसरा जो फाफड़ा फ्राई करेंगे तो हमको पता चल ही जाता है कि कैसे तेल का टेम्परेचर है वो कैसे रखना है। तो ये बिना सोडा का फाफड़ा है, रियली बहुत अच्छा बना है। आप इस तरह से एक बार बना के जरूर ट्राई करना, आपको भी ये जरूर पसंद आएंगे। और हमने उसमें सोडा और इनो कुछ भी हमने नहीं डाला है, लेकिन ये फाफड़ा है रियली बहुत अच्छा बना है। तो ये फाफड़ा है दशहरा स्पेशल रेसिपी है, तो आप इस तरह से बना के जरूर ट्राई करना। तो आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड मेरी दूसरी जो चैनल है संगीताज वर्ल्ड हेयर स्टाइल करके, वो भी आप जरूर देख सकते हैं और उसमें नया नया वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो लीजिए हमारा ये फाफड़ा गरमा गरम हमारा फाफड़ा तैयार है, एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची बना है, खाने में बहुत यम्मी बना है। तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करना। तो ये फाफड़ा तो बना लिया है हमने, बिना जलेबी का ये फाफड़ा तो बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता, तो हम थोड़ी सी जलेबी अभी बना लेते हैं। तो ये जलेबी की रेसिपी मैंने डाली है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये जलेबी की रेसिपी का जो इन्ग्रीडियंट्स है एकदम परफेक्ट है, आप इस तरह से इन्ग्रीडियंट यूज़ करके आप जलेबी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने ये जलेबी को फ्राई कर लिया है, तो ये जलेबियाँ है वो फाफड़ा के साथ खाई जाती है, उसके साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हम एक डिश में हम फाफड़ा एंड जलेबी को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ फाफड़ा, उसके बाद मैं ये रख रही हूँ ये जलेबियाँ, एंड उसके साथ मैंने रखा है ये कच्चे वाला पपैया का संभारा। तो लीजिए हमारा ये जलेबी फाफड़ा बनके तैयार है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।